मुंबई से खबर इस वक्त की मिलती हुई, आपको बताएं तारदेव में एक बिल्डिंग में आग लगने की जानकारी है। 20वीं मंजिल पर आग में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। शुरुआती जानकारी कमला बिल्डिंग की 20वीं मंजिल, तस्वीरें आपके सामने, धुएं का गुबार इस फ्लोर से बाहर निकलता हुआ। कमला बिल्डिंग है ये तारदेव इलाके की, मुंबई की तारदेव में एक बिल्डिंग में आग लगी है। कमला बिल्डिंग इसका नाम बताया जा रहा है। इसका जो 20वीं मंजिल, इस पर आग लगने से जो धुएं का गुबार है आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी शुरुआत आ रही है कि इस 20वीं मंजिल पर आग लगने के बाद जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनको सकुशल बाहर निकाला गया। इस खबर पर कुछ और अपडेट लेते हैं। नीलेश शुक्ला जुड़ चुके मेरे साथ मुंबई से। नीलेश, क्या ब्रेकिंग इनपुट मिल पा रहे हैं? 20वीं मंजिल पर आग, आग में फंसे लोगों को सेफली रेस्क्यू किया गया। जी निधि, आपको बताऊं कि आज सुबह ही मुंबई फायर ब्रिगेड को 7:30 बजे के करीब ये फायर कॉल मिला, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। आपको सबसे पहले जो तस्वीर है वो दिखा दूं कि इस 20 मंजिला इमारत की 18वीं फ्लोर पर ये आग लगी है, जहां पर ये लगातार जो आग है अभी भी बरकरार है। जो धुएं का गुबार है वो आप देख पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड को जब कॉल मिला तो मौके पर वो यहाँ पर 13 से ज़्यादा जो दमकल की विभाग की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची, जिससे जो आग की जो सीरियसनेस है इसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉल के बाद मौके पर इतनी सारी गाड़ियाँ पहुँची, भारी संख्या में जो फायर ब्रिगेड कर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये जो बाहर की खिड़कियों से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना धुआं का जो गुब्बार लगा है वो दिख रहा है। हालाँकि जो अंदर तस्वीरें हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं अभी भी इवैक्यूएशन में जुटे हुए हैं, कई सारे जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, कुछ लोगों को जख्मी भी बताया जा रहा है। फायर के इस पूरे इंसिडेंट में कई सारे लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर भारी बंदोबस्त है, पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी अपने व्हीकल्स में यहां पर पहुंचे हैं और इवैक्यूएशन की प्रक्रिया में जुटे हैं, ताकि जो खतरे को जो गंभीरता है उसको काबू पाया जा सके। फिलहाल सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है लोगों को इवैक्यूएट करने में, अगर कोई भी अंदर फंसा हो, किसी धुएं का गुबार होता है, ऐसे में उनका पालन कैन बिल्डिंग्स में हो रहा था, यह सवाल सामने आना लाजमी है। बिल्डिंग में आग लग जाना, धुएं का गुबार बाहर आना, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन क्या वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि अब हर फ्लोर पर हर जगह पर मौजूद होते हैं, बेसिक फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता है, उनका कितना पालन यहां पर हो रहा था उसका भी जवाब दीजिए। ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हालांकि मुंबई का पॉश इलाका है, कई रिहायशी इमारत है, ऐसे में जो आग की घटनाएं हैं हर बार ये सवाल पैदा करती हैं कि क्या जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया गया था। लेकिन फिलहाल जो फायर कर्मी हैं उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले वो आग पे काबू पाना चाह रहे हैं, ताकि जो नुकसान है उसे काबू पाया जा सके। हालांकि अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है, इसके चलते इसको कमेंट करना कि एग्जैक्टली क्या फायर का कॉज था, अगर कॉज पता चलता है उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे सवाल कर सकते हैं कि क्या सेफ्टी नॉर्म्स अगर फॉलो किए गए थे तो ऐसे हादसे कैसे हो गए। ये हर बार सवाल खड़ा होता है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर करें। ये 20 मंजिला इमारत है, इसके 18वें फ्लोर पर ये आग लगी है। मैं चाहूंगी एक बार आप रिकन्फर्म कर दें इस बात को, इस जानकारी को। जी निधि, बिल्कुल, ये 20 मंजिला की इमारत है जिसकी 18वीं फ्लोर पर ये आग लगी है। आज सुबह का ये फायर कॉल है, जिसे कुछ देर बाद लेवल 3 का डिक्लेयर कर दिया। लेवल 3 यानी कि एक सीरियस फायर कॉल होता है। अभी तक 6 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला गया, जो जिन्हें जख्मी बताया गया और उन्हें जो नज़दीकी के अस्पताल हैं वहाँ ले जाया गया है। अभी ये फायर बुझाने में, कंट्रोल करने में एग्जैक्टली कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसे कहना मुश्किल है। अगर ये फायर कंट्रोल में नहीं आती है तो आप मान सकते हैं कि जो जख्मी अशा इमरजेंसी वेला दर ह्याला आपण त्यांना काही कॉट रिकामी ठेवा, आणि हे सपोकेशनचे पेशंट होते त्यामुळे घेणं जरुरी आहे नजदीकच्या हॉस्पिटलनी, कारण इथून केयम सायन नायर हे लांब आहे पण जवळच्या निकाले जा रहे हैं जो बिल्डिंग में फंसे हुए थे और खासतौर पे जो बेहोशी की हालत में आ गए थे, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कितने लोग? बहुत ही ओल्ड एज के लोग हैं और बहुत ही डरे हुए लोग हैं, तो उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की, तो उनको चलते हुए आए हैं, उनको अभी ट्रॉली पे डाल के हॉस्पिटल में भेजा गया है। भाटिया हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा भाटिया ने बहुत ही अच्छी तरह सहकार्य किया है, पेशेंट है जसलोक में गए, नायर में गए, लेकिन रिलायंस और ओकाड़
उन्होंने एक भी पेशेंट नहीं, उनका जो सुबह का कोई मैनेजमेंट होगा तो उन्होंने नहीं लिया है। अरुण दुधवड़कर का कहना है कि थोड़ा सबसाइड होने दो, उसके बाद हम खुद वो दोनों हॉस्पिटल में जाके उनके प्रशासन को पूछने वाले हैं कि ऐसा इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं। आता फायरच्या लोकांचं म्हणणं आहे की कदाचित एसीच्या प्लांटला म्हणजे एसीचं याला सर्किट झालं असावं, त्याचं नक्की कारण आपल्याला नंतरच कळू शकतं, कारण आता सगळे फायरवाले आग विझवताना दिसत आहेत। अरुण दुधवडकर आणि मी आणि त्यांच्या सैनिक तो किशोरी पेडणेकर जो कि मेयर है मुंबई की, उनको आप सुन रहे थे क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज में बात कर रही थी। नीलेश मेरे साथ लगातार मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। नीलेश, मैं चाहूंगी कि अगर आप समझा पाए कि किन बड़ी बातों का जिक्र इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किशोरी पेडणेकर ने किया है। जी, मुंबई मेयर किशोरी पेडणेकर इसी मुद्दे पर बात कर रही हैं और उन्होंने मराठी लैंग्वेज में ये कहा है कि जो फायर लगी है उसका कारण अभी तक एक जांच के बाद जो कंफर्म किया जाएगा। हालांकि क्योंकि ये पॉश इलाका है, जो घरों में एसी लगे होते हैं उनमें शॉर्ट सर्किट की जो रीज़न है उसे प्राथमिकता बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो फायर ब्रिगेड कर्मी से उनकी बात हुई है, उनका ये कहना था कि इस कॉल में जो क्योंकि बाहर की तरफ हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि विंडो के डक पे जो आग है वो बाहर रही है, ऐसे में किशोरी पेडणेकर भी फायर कोड कर्मी को कोट करते हुए यही कह रही हैं कि इसमें जो एसी का शॉर्ट सर्किट होता है उसके चलते इस आग के पीछे का प्राथमिक कारण यह बताया जा रहा है। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट कारण है उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा वक्त इन्वेस्टिगेशन में देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस फायर का कॉज क्या था। हालांकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब भी ऐसे पॉश इलाकों में या आम बिल्डिंगों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे एक मेयर मैम, मैम ये आग लगी है इसको लेकर आप कुछ कहने की क्या रीजन है, कुछ कंफर्मेशन? तो आग का रीजन अभी तो प्राथमिक स्वरूप में शॉर्ट सर्किट है। जब भी 6:45 या 6:50 को आग लगी, तुरंत अरुण दुधवड़कर का मुझे फोन आया, बाल सराफ का फोन आया और हमारे डिजास्टर से फोन आया और हम तुरंत पहुंच गए। जब भी मैं आई तभी चार या पांच लोगों को लेके जा रहे थे, मेरे सामने रुग्णों को लेके गए और मुझे लगता है जैसे ही वो चल के आने वाले रुग्ण थे उनको सपोकेशन हुआ है, आज भी धुआं दिख रहा है और हमारे अग्निशमन दल अभी अंदर भी पहुंच गए तो धुआं भी कम करेंगे और सब हमारे सैनिकों ने पहली लिप बंद की, पूरा इलेक्ट्रिक से बंद किया तो लोगों में अच्छा अवेयरनेस है। ये भी पूरी तरीके से बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर लिया गया है, अब तक क्या खबर दी जा रही है? अभी पूरी बिल्डिंग को सैनिक ही कह रहे हैं, अरुण दुधवड़कर कह रहे हैं कि सबको नीचे उतारा है। हमारी जो बाजू में एक सोसाइटी है मातृ मंदिर, उसमें सबकी चाय पानी नाश्ता और इसका कॉज शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग की कंप्लायंस है फायर कंप्लायंस उसको लेके भी कुछ आप? नहीं, फायर कंप्लायंस थोड़ा सा वीक था लेकिन वो चालू करने के बाद भी इतना हुआ नहीं, लेकिन हमारी फायर ब्रिगेड तुरंत पहुँच गई इसलिए जान का हमला ज़्यादा कम हुआ, जाने कम गई है ऐसा अभी तो लग रहा है। हाँ, अभी सफोकेशन के पेशेंट है, मैं खुद अभी उधर में जा रही है और मैं देख रही है। ये आपने सुना निधि, हमारे साथ मुंबई मेयर किशोरी पेडणेकर जी थी जिन्होंने पूरे इलाके में यहाँ पहुँची हैं, इस मौके का जायजा लिया और उन्होंने बताया कि प्राथमिक तौर पर एसी डक्ट के में ही शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है। हालांकि उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जो फायर कंप्लायंस है उनमें कहीं ना कहीं एक कमी देखी गई, क्योंकि जब इस फायर सेफ्टी को एक्टिवेट किया गया तब वो सिस्टम पूरी तरीके से नहीं चल पाया। फिलहाल जो लोग बाहर निकाले गए हैं उनमें यही बताया जा रहा है। निलेश, यहाँ पर किशोरी पेडणेकर ने इस बात का जिक्र किया कि कुछ सफोकेशन के पेशेंट्स हैं, लाजमी है इस बात का कि देखिए चूंकि आग लगी है, धुएं का गुबार चारों तरफ है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि सफोकेशन ज्यादा इसके पेशेंट्स है लेकिन जाने कम गई है इसका भी जिक्र किया गया। तो क्या कुछ कैजुअल्टीज है क्या निलेश शुक्ला, कुछ कैजुअल्टीज है?
मैं लीलेश के पास लौट रही हूँ। कमला बिल्डिंग से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। मुंबई की इमारत है, 20 मंजिला इमारत है, उसके 18वां फ्लोर है कमला बिल्डिंग का। तारदेव ये इलाका पड़ता है मुंबई का, पॉश एरिया है। और जो मुंबई की मेयर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसमें शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे की असल वजह हो सकती है। हालांकि जांच होगी तो पूरी वजह पुष्ट तौर पर सामने आ पाएगी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, 18वां फ्लोर है, तारदेव इलाका पड़ता है मुंबई का, उसकी कमला बिल्डिंगें हैं, एसी में शॉर्ट सर्किट की जानकारी ऐसी मिल रही है। हालांकि असल वजह को लेकर जांच होगी, फिर रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन बहरहाल तस्वीरें जो है निश्चित तौर पर आप देखिए, धुएं का गुबार चारों तरफ है। जो लोग फंसे हुए थे, सफोकेशन के जो पेशेंट्स हैं उनको एडमिट किया गया, इसका जिक्र किया किशोरी पेडनेकर ने। और साथ ही साथ लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 6:45 से 6:50 के आसपास की ये घटना है जब जानकारी मिलती है। किशोरी पेडनेकर ने खुद जी न्यूज से बात में इस बात का जिक्र किया है। तो कमला बिल्डिंग की ये तस्वीरें आपके सामने, हमारे रिपोर्टर लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, मौजूदा हालात का जायजा ले रहे हैं। नीलेश, उनसे संपर्क में जल्द करूंगी। तारदेव इलाका मुंबई का, वहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कमला बिल्डिंग लगातार जो आग पर काबू पाने की कोशिश है वो जारी, धुएं का गुबार चारों तरफ बिल्डिंग के बाहर आप देख सकते हैं। 18th फ्लोर है, 20 मंजिला इमारत कमला बिल्डिंग की, और उसमें 18वें फ्लोर पर ये आग लगी। शुरुआती जानकारी एसी के शॉर्ट सर्किट की समझ में आ रही है, लेकिन जांच के बाद तस्वीर बेहतर हो पाएगी कि क्या वजह थी जो ये आग लगी इस फ्लोर पर, कितने लोग इसमें फंसे थे। हालांकि सफोकेशन के पेशेंट्स को एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है, लेकिन क्या कुछ लोग अभी फंसे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, उनकी टीम अपना काम कर रही है, अग्निशमन विभाग की पूरी टीम। निकाले जा रहे हैं जो बिल्डिंग में फंसे हुए थे, और खासतौर पे जो बेहोशी की हालत में आ गए थे, अभी भी रेस्क्यू आपके पास क्या डिटेल्स है, कितने लोग? बहुत ही ओल्ड एज के लोग है और बहुत ही डरे हुए लोग है, तो उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की, तो उनको चलते हुए आए हैं, उनको अभी ट्रॉली पे डाल के हॉस्पिटल में भेजा गया है, भाटिया हॉस्पिटल में। ज़्यादा से ज़्यादा भाटिया ने बहुत ही अच्छी तरह सहकार्य किया है, पेशेंट है, जसलोक में गए हैं, नायर में गए हैं, लेकिन रिलायंस और ओकड़ उन्होंने एक भी पेशेंट नहीं, उनका जो सुबह का कोई मैनेजमेंट होगा तो उन्होंने नहीं लिया है। अरुण दुधवड़कर का कहना है कि थोड़ा सबसाइड होने दो, उसके बाद हम खुद वो दोनों हॉस्पिटल में जाके उनके प्रशासन को पूछने वाले हैं कि ऐसा इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं। अभी आता फायरच्या लोकांचं म्हणणं आहे कि कदाचित एसीच्या प्लांटला, म्हणजे एसीचं याला सर्किट झालं असावं, त्याचं नक्की कारण आपल्याला नंतरच कळू शकतं, कारण आता सगळे फायरवाले आग विझवताना दिसतायत। अरुण दुधवड, हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं। जो मुंबई के मेयर, उन्होंने जी न्यूज से भी खास बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि सफोकेशन के कुछ पेशेंट्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और जिस तरीके से ये पूरी शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसमें शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। नीलेश शुक्ला लगातार जी न्यूज संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। नीलेश, सुबह के 9:13 हो चुके हैं, आग पर कितना काबू पाया जा सका इसका अपडेट दीजिए, और कितने फायर टेंडर्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं ये भी बताएं। जी निधि, सबसे पहले तो आपको ये अपडेट दे दूँ कि इस पूरे फायर इंसिडेंट में एक जो रहवासी है उसकी मौत की खबर आ रही है, उसके बाद 6 से 7 लोग ऐसे बताए रहे हैं जो जिन्हें जख्मी हालत में नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हमारे साथ यहाँ पे आमदार मंगल प्रभात सर हैं। सर, आपसे जान चाहेंगे इस पूरे हादसे में अब तक क्या अपडेट आई है हमारे पास? अभी आपके सामने एक और डेड बॉडी को लेके गए हैं, और इसलिए 2 लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है। 15 लोग भाटिया में भर्ती है, 2 लोग नायर में लेके गए, 2 को भयानक घटना है। आज भी आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि वहाँ फायर ब्रिगेड के मूवमेंट की जगह नहीं है, पानी को फायर ब्रिगेड के पाइप को भी अंदर ले जाने के लिए जगह नहीं है, और ये टीनेंट्स की रिहेबिलेशन की बिल्डिंग थी और इसके लिए इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, जिसका भुगतान आज टीनेंट्स को अपने 2 लोगों की जान गंवाकर और पूरा इतना बड़ा हादसा
सहन करके भुगतना पड़ रहा है। सर, क्या बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर लिया गया कम्प्लीटली या फिर इवैक्यूएट कम्प्लीट कर लिया गया है? सर, कब तक ऑपरेशन बताया जा सकता है कि कम्प्लीट हो सकता है? नहीं, अभी ऑपरेशन माने जो सीनियर सिटीजन बचे हैं अंदर, उनको दो एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है, पर अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। सर, अब तक दो मौतें कन्फर्म हो चुकी हैं। हाँ, दो मौतें कन्फर्म हो चुकी। तो आपने सुना कि यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि जो फायर है उसमें अब तक दो लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसके बाद 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें जख्मी हालत में जो आसपास के अस्पताल हैं उन्हें वहाँ पहुँचाया गया, वहाँ भर्ती कराया गया है। अभी तक इवैक्यूएशन कम्प्लीट बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इसमें से निकलते नज़र आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि जो मौत का आंकड़ा है या जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनका आंकड़ा बढ़ सकता है। आपको एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊँ, फिलहाल तो बाहर से देखने में तो ऐसे लग रहा है कि आप पे थोड़ा काबू पाया जा चुका है, लेकिन जो धुएं हैं, धुएं का उबार है, वो अभी भी इस खिड़की से आपको नजर आ रहा होगा कि अभी भी खिड़कियों से बाहर निकल रहा है धुआं। ऐसे में इस चीज को अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि अंदर की जो स्थिति है उसका क्या परिणाम कुछ देर में निकल सकता है। अभी तक दो मौतें कन्फर्म बताई जा रही हैं, जो कि एक बड़ा हादसा है। बताया जा रहा है कि जो फायर कंप्लायंस है उसमें एक बड़ी चूक हो चुकी है, हुई थी, जिसके बाद ये सारी समस्याएं सामने आई हैं। बता रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड के यहाँ पे मौके पर 13 से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने के लिए जो स्पॉट होता है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सकरी गलियाँ हैं, अंदर बिल्डिंग के अंदर भी जो व्हीकल मूवमेंट है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो ये मौत का आंकड़ा है वो फिलहाल तो दो कन्फर्म हो चुका है, उसके बाद जो 15 से ज़्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं उन्हें नज़दीकी अस्पतालों में पहुँचा गया। अब अस्पताल में उनके उपचार के बाद उनकी क्या हालत होती है, या क्या ये मौत का आंकड़ा है वो बढ़ पाता है, या वो दो तक ही सीमित रह पाता है, ये दिखने वाली बात होगी। फिलहाल जो व्हीकल मूवमेंट है वो लगातार बढ़े हैं, जो हमारे कर्मी हैं, फायर कर्मी हैं, वो मौके पर अपने कार में जुटे पड़े हैं, और जो एरिया को जो है वो आसपास हटा रहे हैं, जो लोग हैं उन्हें भी मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पे मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है। अभी आपने सुना कि किशोर पेडनेकर जो मेयर हैं उन्होंने भी जो रीज़न है वो यही बताया है कि एसी डक में प्राथमिक तौर पर एसी डक है उसमें शॉर्ट सर्किट को एक अहम रीज़न बताया जा रहा है। हालांकि जाँच प्रक्रिया के बाद ही इस चीज़ को फाइनलाइज किया जा पाएगा कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। फिलहाल इस बात को दोहरा दूँ कि दो लोगों की कन्फर्म मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा लोगों को जख्मी बताया जा रहा है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा गया है। जी निधि, निलेश, आप लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, सारी अपडेट साझा कर रहे हैं। दो की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, 15 से ज्यादा इन लोगों की संख्या है। क्या डेथ टोल बढ़ सकता है और किस तरीके से वजह सामने आ रही है? शुरुआती जानकारी, जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है, उसमें शॉर्ट सर्किट वजह हो सकता है। लेवल 3 की यह फायर है जिसने एक भयावह तस्वीर इस वक्त दिखाई है मुंबई को। तारदेव बिल्डिंग है, ये तारदेव इलाका है, ये उसकी कमला बिल्डिंग है, 20 मंजिला ये बिल्डिंग है, उसके 18वें फ्लोर की तस्वीर देखिए, जीनूज आपको दिखा रहा है इस वक्त। धुएं का गुबार बाहर लगातार निकलता हुआ, हालांकि लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन नीलेश आपने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर सिटीजन अभी फंसे हो सकते हैं, क्योंकि संकरी गलियां, लिहाजा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमने इमीडिएटली फायर ब्रिगेड में फोन किया और 5-7 मिनट में फायर ब्रिगेड भी आ गई। फिर हमने वो बिल्डिंग में जो लोग रहते थे उनमें से भी एक दो लोगों को फोन किया कि आपके बिल्डिंग में आग लगी, आप प्लीज नीचे उतरिए। तो काफी लोग सारे उस टाइम पे फिर नीचे उतर गए, और जितने लोग नीचे थे सबको हमने फिर हमारे सोसाइटी के हॉल में अकोमोडेट किया और उनको चाय पानी नाश्ता जो भी। मैं विपुल सेक्रेटरी हूँ मातृ मंदिर बिल्डिंग का। तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो बता रहे हैं क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा, और ये 18वां फ्लोर है, 13 जो है दमकल विभाग की गाड़ियां जो है यहाँ पर मौजूद है। लेवल 3 की फायर है, भयावह तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं, और प्रत्यक्षदर्शियों से भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। मुंबई के मेयर ने जी न्यूज से खास बातचीत की है। नीलेश शुक्ला, ओवर टू यू। ग्राउंड पर इस वक्त की तस्वीर क्या है, क्या इस वक्त के ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं? लेवल 3 की फायर की तस्वीरें निश्चित तौर पर डराती हैं, 15 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, दो की मौत की पुष्टि। जी दीदी, दो लोगों की मौत की पुष्टि है, मैं फिर से अपडेट कर दूं कि दो लोगों की मौत की पुष्टि है, 15 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल स्थिति ज़्यादा कंट्रोल में तो नज़र आती दिख रही है, क्योंकि हम फिलहाल बाहर प्रमाइसिस में हैं, जहाँ पे विंडो की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर से तो स्थिति कंट्रोल नज़र आ रही है, लेकिन जो एम्बुलेंस है उनका लगातार आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। जो फायर कर्मी है, जो फायर वैन है, उनमें मूवमेंट हो रहा है, वाटर टैंकर्स में मूवमेंट हो रहा है। फिलहाल तो दो मौतें कन्फर्म बताई जा रही हैं, लेकिन जो जख्मी पहुंचे हैं अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार तो चल रहा है, उन्हें अभी बताया जा रहा है कि सफोकेशन को फेस कर चुके हैं। और ऐसे मामलों में फायर में अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो जलने से कम और सफोकेशन के जो मौत के मामले होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि वो इंजर्ड हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती तो कराया गया है, लेकिन
अब कितनी देर लगती है उनके उपचार में, उनकी स्थिति एग्जैक्टली क्या है, किस लेवल पे उनको मेडिकल की सुविधाएं दी जा रही हैं, किस लेवल की उनकी ज़रूरत है, उसे देखते हुए ये जो आंकड़ा है उसके ऊपर तभी हम कह पाएंगे कि अभी फिलहाल शॉर्ट सर्किट एक अहम कारण बताया जा रहा है, एक प्राथमिक कारण बताया जा रहा है, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, जिससे कि मुंबई मेयर किशोर पेडनेकर का भी कहना था। जी तो थोड़ा इंतजार करना होगा, हालांकि प्राथमिक जानकारी शॉर्ट सर्किट की मिल रही है। इस हादसे में दो की मौत हो चुकी है, कई लोग सफोकेशन की वजह से दम घुटने के शिकार हुए, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका प्राथमिक उपचार जो है वो लगातार जारी है। उनकी स्थिति कितनी गंभीर है उसके लिए भी कुछ और अपडेट्स का इंतजार हम लगातार कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें लगातार जी न्यूज आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद लगातार जो बता रहे हैं कि कितनी भीषण ये आग, लेवल 3 का फायर इसको डिक्लेयर किया गया है। मुंबई का ये तारदेव इलाका, उसकी 20 मंजिला कमला बिल्डिंग का 18वां फ्लोर, और फ्लोर पर ये भीषण आग की तस्वीरें, प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कह रहे हैं जो स्थानीय लोग। सब जन निकल गए, हम दोनों 5 महीने पे रहते हैं, हम दोनों, पर ये मेरी बेटी है ना, वो शांत है, उसको चलने को ज्यादा नहीं आता। तो लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं, कमला बिल्डिंग ये है, तारदेव इलाका है ये मुंबई का, जहां पर सुबह जानकारी मिलती है कि आग लग गई है, भीषण आग की तस्वीरें लगातार सामने आई। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है, हमारे रिपोर्टर चूंकि ग्राउंड पर लगातार मौजूद है, नीलेश रेस्क्यू ऑपरेशंस जिस तरीके से आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं लगभग पूरे हो चुके हैं, तो कुल लोगों की संख्या जो कि इससे ज्यादा इफेक्टेड है, सफोकेशन के शिकार है, अस्पताल में भर्ती है, वो कितनी है? मौत का आंकड़ा इस वक्त 2 पहुंचा है, वो अपडेट आपने साझा किया। क्या अभी भी दमकल विभाग की 13 गाड़ियां वहां पर मौजूद है, क्योंकि आप बता रहे थे कि एम्बुलेंस लगातार आ रही है जा रही है, डेथ टोल में भी इस बीच लग रहा है कि इजाफा हो सकता है, ये अपने आप में बेहद दुखद हो सकता है। नीलेश जी, ये बेहद दुखद हो सकता है, क्योंकि ये मुंबई का पॉश इलाका है, जहाँ पे माना जाता है कि जो फायर सेफ्टी है उसे प्राथमिकता वगैरह दी जाती है, सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आज सुबह जो हादसा हुआ उसने कई लोगों की नींदें ज़रूर खोल दी होंगी। एक भीषण हादसा हुआ है जिसमें ये पॉश बिल्डिंग है, और ऐसे में हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऐसे इलाकों में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं होंगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहां रहते हैं, ये हादसा कितने बजे हुआ, कुछ क्या जानकारी आपको? ये अराउंड 7 बजे हुआ, मैं एक्सरसाइज कर रहा था मेरे टेरेस के ऊपर, और अचानक से मुझे धुआं दिखने लगा, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या है, और जब एक बच्चे की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, बहुत ज़ोर से चिल्लाया वो, तो आई वॉज लाइक कि दिस इज़ समथिंग बिग, तो एक याद रहता है 101। मतलब आपकी बिल्डिंग में कितने सारे लोग होंगे, एक फ्लोर पे चार मंजिला होंगे, शायद 1000 लोग, कितने कह सकते हैं, कितने लोग होंगे? डेफिनेटली 20 फ्लोर्स का ये बिल्डिंग है, और बहुत सारे, मैं एग्जैक्टली जहाँ पे आग लगी है उसके सामने के फ्लैट में रहता हूँ, इन द अपोजिट बिल्डिंग, सो इट एवरीथिंग इज़ कुछ रीज़न था, कुछ शॉर्ट सर्किट, कुछ आवाज़ आई, कुछ एक्सप्लोजन हुआ, कुछ क्या? द बिगेस्ट थिंग वाज कि कुछ भी आवाज़ नहीं आई, और हमने सामने के बिल्डिंग में जिनको हम पहचानते हैं उनको फ़ोन किया, तो वो लोग जहाँ आग लगी थी उसके 2 फ्लोर नीचे ही रहते हैं, फिर भी उनको पता ही नहीं है कि आग लगी है। जिसके घर में आग लगी, क्या वो सुरक्षित बाहर निकले हैं, क्या उनकी क्या स्थिति है? हमने फायर ब्रिगेड वाले को उधर देखा कि वो लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सो उसके बाद हमें पता नहीं, लेकिन देवर डूइंग द वर्क वेल। वो लोग टेरेस पे भी बहुत तुरंत पहुंच गए, मैंने फ़ोन किया था एग्जैक्टली 7:15 बजे फायर ब्रिगेड को, और वो लोग 7:17, 7:18 को आ गए थे, और विद इन 5 मिनट्स वो लोग ऊपर पहुंच गए और ऊपर से पानी को ड्रिप करने लगे, ताकि क्या जो फायर कंप्लायंस है अक्सर ऐसे दिख रहा था कि वो नहीं चलते, तो क्या अभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी नॉर्म्स थे, जो बेसिक फायर प्रोटोकॉल से, वो चालू थे सिस्टम? वैसे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट आई डोंट नो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कवर पर नजर लगातार, कुछ और अपडेट्स आएंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका, लगातार ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता, मुंबई का तारदेव इलाका, उसकी कमला बिल्डिंग, उसके 20 मंजिला इमारत के 18वें माले पर आग लगने से 2 लोगों की मौत की जानकारी, 15 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है। इस खबर पर अपडेट्स आएंगे, लौटेंगे, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। प्रेजेंटिंग द न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।